Hey guys, it's almost 12 in the night और मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है और पूजा रूम में कर रही है कुछ बर्थडे प्रेपरेशन ऐसा कह के कि कुछ सरप्राइज है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ सरप्राइज एनी मोर। मेरे सामने रूम में प्रेपरेशन कर रही है तो या बट लेट्स सी, रूम में चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए मेरे साथ। लाइट जलाइए, हम देख भी रहे हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, मंदिरा भी कॉल कर रही थी उसको भी। ओह मेरे लिए केक भी आया है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, केक खा लो। हाँ आज मैं 42 इयर्स का हो गया। ओके सुपरमैन। सुपरमैन वाला ड्रिंक कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हारी फेवरेट सॉक्स है? केक बाय। थैंक यू फॉर द केक। डेकोरेशन कैसा लगा आपको? एकदम मस्त, बहुत अच्छा सजाया। आप बहुत अच्छा सिखा दिए लेकिन। अरे वो कहाँ है, डेकोरेटर कहाँ है पीछे? ओह ये उनको बोलो कैमरा। अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है अभी तक? हाँ क्या होगा इसके जीवन में। चलो बाय बाय गाइस, बाद में मिलते हैं थोड़ा बाद। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है मेरा बर्थडे, कल रात को आपने देख ही लिया साथ में केक कट करते वक्त। और सुबह सुबह एक अच्छी और बुरी बात हुई। अच्छी बात ये थी कि मेरे फ्रेंड हितेश ने कॉल किया था टू टेल मी कि वो ब्रेकफास्ट भेज रहा है घर पे, बट बुरी बात ये हुई कि स्विगी पे लोकेशन गलत सेलेक्ट हो गया है समाउ, और वो 24 किलोमीटर दूर डिलीवर होने वाला था ब्रेकफास्ट। No! तो काफी लड़ झगड़ के हमने ऑर्डर कैंसिल कराया। अब मैं और पूजा जा रहे हैं घर के पास कहीं पे ब्रेकफास्ट करने, तो कम अलाउंड। मैं अभी आ चुका हूँ मंदिर भगवान जी को भोग लगाने, यू नो सबको ही करते होंगे ये मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाना। आइए मेरे साथ। तो भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद मैं पहुंच गया ऑफिस, जहां पे मेरे फ्रेंड्स ने डेकोरेट किया मेरे डेस्कटॉप को कुछ इस तरह से, केक का टॉपर और ये छोटा सा क्यूट सा टॉय लगा के। और हम फ्रेंड्स गए लंच के लिए, ऑफिस के ही प्रेमाइसिस में है एक फूड कोर्ट वहां पे, जहां आहा बिरयानी से लोगों ने खाया बिरयानी। और मैं, आप गेस कर सकते हो मैंने क्या खाया होगा? एज यूजुअल मसाला डोसा। यू नो हाउ ऑब्सेस्ड आई एम अबाउट डोसा। मैंने ए टू बी यानी अध्यारानंद भवन का डोसा, जो एक्चुअली हितेश मुझे ब्रेकफास्ट में भेजने वाला था। सो इसके बाद वहाँ पे कुछ दिवाली के लिए स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, जहाँ पे हमने चाहा बहुत कि शॉपिंग कर ले, बट कुछ भी अच्छे प्राइस पे नहीं था और कोई भी बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं था कि हम शॉपिंग करते। तो हम खाली हाथ और भरी पॉकेट के साथ वापस आ गए। और इसके बाद ऑफिस कैफेटेरिया में मेरे लिए केक अरेंज किया था दोस्तों ने, तो मैं कर रहा हूँ केक कटिंग। और ये है मेरे क्रेजी फैंस की टोली जो मेरे साथ करने वाले हैं केक को रिव्यू। केक हमने ऑर्डर किया था बेक्स किंग से, जो सबको लगा बहुत ही अच्छा। और ऑफिस से बहुत ही लंबा इंतज़ार कराने के बाद मैं पूजा से आ मिला हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 65 पे, आई मीन रेस्टोरेंट है यार प्लेटफॉर्म नंबर 65, जहाँ पे पूजा ने मेरे लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट कर रखा है, ये देखो। और इस रेस्टोरेंट में सारा खाना ट्रेन पे आता है गाइस, लुक एट दिस हाउ क्यूट इट इज। वाओ, हमारा भी खाना आ गया है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है खाना। हमने ऑर्डर किया था पहले तो सूप, जिसका मैंने वीडियो नहीं लिया है। इसके बाद पनीर टिक्का, मैरिनेशन तो बहुत ही अच्छी थी पर पनीर माशाल्लाह बहुत चुई, साक्षात रबड़ था रबड़। हा?
तो रबड़ जैसे पनीर खाने के बाद अब ट्राई करता हूँ कोफ्ता। बहुत गर्म ग्रेवी माशाल्लाह, बट कोफ्ता के बॉल पत्थर पत्थर। इसके बाद बारी आ गई है माउथ फ्रेशनर की, पान की। तो फ्री की सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, आप भी मुझे गिफ्ट भेज सकते हो बर्थडे का फ्री में। तो ये बजा दिया गया है बैकग्राउंड में मेरे लिए बर्थडे म्यूज़िक, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन अनदर एपिसोड। टिल देन ईट टेस्टी एंड स्टे हैप्पी।